तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ सेकेंड एपिसोड। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा था, पहले एपिसोड में हम विलेज को ढूंढने के लिए निकले थे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इस एडवेंचर को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, आज जो है हम विलेज को किसी भी हालत में ढूंढ कर रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस सफ़र में। तो गाइस, देखा था जैसा कि आपने, हम काफ़ी आगे तक आ चुके थे। तो इस बार भी जो है हम काफ़ी आगे तक जाएंगे और किसी भी हालत में विलेज को ढूंढ कर रहेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इस माउंटेन को पार कर लेते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं ये माउंटेन काफ़ी ऊंचा है। इसको पार करने के लिए जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया था। मैंने जो है काफ़ी सारी डर्ट कलेक्ट की और फिर ऊपर चढ़ते गया। मैं काफ़ी बार नीचे भी गिरा, मगर फिर भी मैंने जो है काफ़ी कोशिश की और मैं जो है बहुत मेहनत करके जो है ऊपर पहुँचने में जो है सफल हो गया। तो गाइस, जो है मैं ऊपर पहुँच चुका था और मैंने जो है ऊपर पहुंचने के बाद में देखा कि काफ़ी सारा यहाँ पे फूड भी है। तो मुझे फूड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और कोल की भी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कोल से जो है पका हुआ खाना मिलेगा। तो गाइस, देख सकते हैं ये काफ़ी ऊंची जगह है। तो यहाँ पे से हम विलेज को देखने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे तो कोई भी विलेज नहीं है। तो कोई बात नहीं गाइस, हम जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे सफ़र की ओर। तो गाइस, ये जो है यहाँ पर मेरे पास कोल ही नहीं था जिससे मैं खाना पका पाता, मगर मैंने जो है अपने सफ़र को कंटिन्यू किया और जो है मैं एक जंगल बायोम के ऊपर से जा रहा था। तो जो है मैं काफ़ी ऊँचाई से कूदी मार मार कर जो है आगे बढ़ रहा था। तो मैं जंप करते करते हुए काफ़ी बार नीचे भी गिर गया, मगर मैंने जो है काफ़ी आगे तक के पहुंच गया और मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा जा रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी बड़ी केव है जिसमें कोल हो सकते हैं, मगर जो है मैंने जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि जो है मुझे कोल ऊपरी साइड पर मिल जाए जिससे जो है मेरी ज़्यादा हेल्थ भी ना जाए। तो गाइस, मैं जो है चलते फिरते जो है मैं आगे बढ़ गया और जो रास्ते में मुझे फूड दिख रहा था मैं उसे भी कलेक्ट कर रहा था। तो मैंने शीप को किल करके जो है काफ़ी सारा जो है बीफ कलेक्ट कर लिया था। तो गाइस, अब जो है मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ और गाइस जो है जंगल बायोम भी ख़त्म हो चुकी है। तो गाइस, इस शीप को जो है मैंने मारने की कोशिश की, मगर ये बच कर भाग गई मुझसे। तो कोई बात नहीं, आने वाली शीप को भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो गाइस, मैंने जो है काफ़ी सारा फूड कलेक्ट किया और आगे बढ़ता रहा और मुझे विलेज तो नहीं मिला, मगर फिर भी मैंने जो है अपने सफ़र को कंटिन्यू रखा और जो है मैं काफ़ी आगे तक पहुंच चुका था। यहाँ तक के मतलब के बहुत ज़्यादा देर तक के मैं चल रहा था। नाइट होने को आ गई थी तो मैंने जो है थोड़ा सा और चलने के बाद में जो है अपना जो छोटा सा शेल्टर बना लिया। तो गाइस, मैं जो है यहाँ से आगे बढ़ते रहा और जो है यहाँ पर नाइट होने लगी तो जो है मैंने यहाँ पर छोटा सा शेल्टर बना के जो है यहीं पर बेड लगा कर जो है सो गया। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने जो है टेम्पररी के लिए जो है यहाँ पर छोटा सा एक शेल्टर बनाया है जिसमें मैं जो है आराम करूँगा। तो गाइस, मैं जो है सो जाता हूँ यहाँ पर और जो है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो यहाँ से हम जो है अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो जो है यहाँ पर डे हो चुका है। तो अब मैं जो है मेरी सारी वुड कलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी सी बायोम है, काफ़ी ब्यूटीफुल बायोम है, मगर जो है मैं यहाँ पर मेरा घर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जो है मुझे मेरा हाउस जो बनाना है वो जो है विलेज में बनाना है। तो गाइस, यहाँ पर जो है मुझे कोल दिखने लग गया जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पर जो है कोल को कलेक्ट कर लिया जिससे जो है अब मैं पका हुआ खाना खाऊंगा और जो है मेरी हेल्थ भी अब फुल रहेगी। तो गाइस, जो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत कोल थे जो मैंने उसको कलेक्ट कर लिया है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो है केव थी बट मैंने जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो है ख़तरा था, अंदर ज़ॉम्बी वगैरह हो सकते हैं, क्रीपर वगैरह भी हो सकते हैं जो कि मुझे डैमेज देंगे, इसलिए मैं जो है जाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद मैं जो है यहाँ से आगे बढ़ता रहा और काफ़ी सारी वाटर जो है यहाँ पे जो है नदियाँ आती रही, मगर मैंने उसको पार करते हुए आगे बढ़ गया। यहाँ तक कि जो है काफ़ी सारी बायोम बदलती जा रही थी, जैसे पीछे जो है जंगल बायोम गई, फिर नॉर्मल बायोम, अब यहाँ पर डेजर्ट बायोम आ गई है। और कुछ नसीब से जो है यहाँ पर एक बड़ी केव थी और इसमें ऊपरी सतह पर ही जो है आयरन था। तो इस आयरन को कलेक्ट करने के लिए जो मैंने यहाँ पे अपना जो है
पिकेक्स को जो है स्टोन का बनाना ज़रूरी था, जिससे जो है आयरन कलेक्ट होगा। तो मैंने जो है यहाँ पर अपनी स्टोन की पिकेक्स बना ली है, जिससे जो है मैं आयरन कलेक्ट करके जो है अपना जो है टूल वगैरह बना सकता हूँ। तो जल्दी से जो है हम यहाँ पर आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं जाकर। तो यहाँ पर थोड़े बहुत आयरन है, ज़्यादा भी नहीं है, ऊपरी सतह पर जितने दिख रहे हैं मैं उतने आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ। और जो है अगर कोल भी मिल जाए तो अच्छा है, मैं कोल भी कलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे जो है मैं कॉपर को कलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो कॉपर है नॉर्मली मिल जाता है, मगर आयरन जो है नहीं मिलता, इसलिए जो है मैं यहाँ पर आयरन को कलेक्ट करूँगा, कॉपर को नहीं करूँगा कलेक्ट। कॉपर को कभी और जो है हम माइन कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम जो है वहाँ से बाहर निकलते हैं। ये केव जो है काफ़ी बड़ी है, अगली बार कभी ना कभी जो है हम यहाँ पर माइनिंग के लिए आएंगे। तो जो है मैंने यहाँ से अपने सफ़र को कंटिन्यू कर लिया और मुझे जो है थोड़े बहुत आयरन भी मिल गया। तो मैं यहाँ से जो है काफ़ी आगे तक के चले गया था। और जो है मैंने यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी सी जो है जंगल टाइप बायोम है यहाँ पर, और यहाँ पर जो खाना भी काफ़ी सारा था। तो मैंने जो है यहाँ पर आकर जो है एक जगह पर रुक गया और यहाँ पर जो है मैंने अपना जो है फूड को पका लिया। तो यहाँ पे जो है मैंने कुक्ड बीफ रख दिया है पकने के लिए। और जब तक जो है मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट करने लग गया, और जो मैंने थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट कर ली, अभी जो है मैं अपने टूल को स्टोन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो आज जो मैंने यहाँ पे फूड को ही पका लिया है, जो है वुड को भी कलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से जो है हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जो है यहाँ से अब मैं निकल गया, जो मैंने थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट कर ली है। तो गाइस अब जो है हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मैं जो है अपनी हेल्थ को बढ़ा रहा हूँ और जो है यहाँ से मैं जो है निकल रहा हूँ आगे की तरफ, क्योंकि अभी मुझे है जंगल में जो है जाना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वक्त से मैं चल रहा हूँ, इसलिए जो है अब मैं यहाँ से वाटर का ज़रिया ओशन का ज़रिया लूँगा। तो यहाँ से हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हाल है हमारे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी ज़मीन है। तो गाइस जो है यहाँ पे मैं चलते हुए आ गया हूँ काफ़ी आगे। और गाइस मैं बहुत देर से चला था, लगभग आधे घंटे से मैं आगे ही बढ़ते गया और अब मैं यहाँ पे आके पहुँच चुका हूँ। गाइस मैं बहुत थक गया हूँ और गाइस वाओ गाइस मुझे विलेज मिल गया। गाइस लगभग पिछले एक घंटे से जो है मैं ये गेम खेलते जा रहा हूँ, मगर मुझे विलेज मिल ही नहीं रहा था, और फाइनली मुझे जो है विलेज मिल गया है। वाओ ब्यूटीफुल। तो गाइस सबसे पहले तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे जाके जो है मैं रुक जाऊंगा और यहाँ पे लूट करेंगे कभी और, मगर जो है आज के लिए जो है मैं विलेज से घर में पहुँच जाऊँगा। वाओ विलेजर काफ़ी देर बाद जो है विलेजर को देख खुशी हो रही है। तो गाइस जो है मैं यहाँ पे विलेजर में पहुँच चुका हूँ विलेज में, और लूट भी वाओ ब्यूटीफुल एप्पल्स और एमरल्ड है तीन, काफ़ी अच्छे खासी लूट है यहाँ पे, नॉर्मल लूटी तीन एमरल्ड काफ़ी है इतने हमारे लिए। तो गाइस देख सकते हैं विलेज जो है मुझे फाइनली मिल गया है। तो भाई गाइस अगर आप इस अगली वीडियो किस चीज़ पर होनी चाहिए आप मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, आप चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।